कराची बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। नासिर हुसैन शाह की जमात इस्लामी को यकीन दहानी। कराची में जमात इस्लामी के धरने के बाद सूबाई हुकूमत ने 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला हाउस जाने के लिए कारकुनान अमीर जमात इस्लाम की क़यादत में पुलिस की तमाम रुकावटें अबूर करते हुए प्रेस क्लब से पोलो ग्राउंड पहुँचे। जमात इस्लामी ने धरना देना तो वज़ीर आला हाउस पे था, लेकिन वज़ीर आला हाउस के नज़दीक मकामी होटल में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम क़याम पज़ीर है, इसलिए मुज़ाकरात के बाद सदर रोड पर धरना दिया गया। बाद अज़ां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने धरने में पहुँचे और जमात इस्लामी की क़यादत को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि बेफिक्र हो जाएं, पीपल्स पार्टी भी मुकर्रा वक्त पर इलेक्शन कराना चाहती है। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाए और बल्दियाती कवानीन में जो भी तरामीम करनी है फौरी की जाएँ। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि जल्दी इंतखाब हमारा हक है, कराची की आवाम को उनका हक मिलना चाहिए। इलेक्शन के रोज़ फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए, पुलिस हुकूमत के ज़ेर असर है, हल्का बंदियों का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे।